और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर से। जयपुर के शाहपुरा में करंट से लाइनमैन सहित अन्य की मौत के मामले को जयपुर डिस्कॉम ने लापरवाही माना है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए विराटनगर सहायक अभियंता के वर्मा को एपीओ किया गया है और जेएन को सस्पेंड किया गया है। वही पूरे मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई और इस कमेटी में एडिशनल एसपी विजिलेंस, सीपीओ और एक्सएन शामिल है। वही मुआवजे की मांग को लेकर परिजन अस्पताल में धरने पर बैठ गए थे और शव उठाने से भी इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में समझाइश और मांगे मानने के बाद परिजनों ने शव उठाया है। जिला प्रशासन की ओर से एडीएम ने मुआवजे का ऐलान किया, मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने का ऐलान किया गया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। दो लाइनमैन की यहां मौत हुई है, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन यहां पर दिया गया। एडीएम के आश्वासन पर ही परिजनों ने शव को उठाया है। पूरे मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाएगी। बातचीत हुई, समझाइश की गई, जिसके बाद परिजन संतुष्ट हुए आश्वासन से और इसके बाद शव उठाने के लिए राजी हुए। बता दें आपको, करंट लगने से दो लाइनमैन की मौत हुई थी, जिसके बाद प्रशासन और ग्रामीणों में बातचीत से अब जाकर सहमति बनी है। हालांकि लगातार धरने पर ये बैठे रहे, शव उठाने से इनकार किया, मुआवजे को लेकर भी बात कही गई और सबसे अहम बात कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो तो यहां पर एक्शन भी लिया गया है। और शाहपुरा से स्थानीय संवाददाता सीबी शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं अभी क्या कार्रवाई अब की जा रही, क्योंकि परिजनों को भी मना लिया गया है जिस तरह से वार्ता हुई सीबी। जी श्वेता, उसमें ये है, दोनों पक्षों में सहमति बनी है कि एक तो जो दोषी लापरवाह जो जेएन है उसको निलंबित कर दिया गया है, जो सुरेंद्र जाट है तथा जो एएन है उसको एपीओ किया गया है। उसका एपीओ जिला कार्यालय, उसका जिला मुख्यालय दौसा होगा। इसके अलावा प्रशासन से मांग की थी कि भाई इनको है ना, जैसे पिछले करीब दो साल पहले अपने खातोलाई में ट्रांसफार्मर कांड हुआ था, उसमें 23 लोगों की मौत हुई थी, उसमें मृतकों को सभी को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया था। यहाँ भी लोगों की मांग थी कि उसमें, जबकि उसमें यहाँ तो बिजली विभाग की लापरवाही सामने आ रही है, अगर तार टूटता है बिजली विभाग का तो भी बिजली विभाग की लापरवाही है, अन्यथा ये शटडाउन करने के बाद भी अगर शटडाउन चालू करते हैं बिना अनुमति के तो भी वो लापरवाही है। इसलिए लोगों का मानना था कि उससे ज्यादा मुआवजा दिया जाए, लेकिन आपसी सहमति के बाद फिर 10-10 लाख रुपए के मुआवजे की राशि पर सहमति बनी है और दोनों का शव पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। करीब ये अब 24 घंटे तक धरना चला है, उसके बाद ये सहमति बनी है। बिल्कुल, 24 घंटे धरना चला जिसके बाद सहमति बनी, समझाइश हुई यहाँ पर। लेकिन सीबी, 10-10 लाख के मुआवजे पर क्या बात बन गई है, मुआवजे की घोषणा का इंतजार था इन्हें? हाँ, वर्तमान में शाहपुरा विधायक आलोक बेनीवाल थे, विराटनगर विधायक इंद्रराज गुर्जर थे, पूर्व विधायक डॉक्टर फूलचंद पिंडा थे, प्रदेश मंत्री कुलदीप धनखड़ थे, इसके अलावा जो प्रशासनिक अधिकारी थे एडीएम राजवीर सिंह यादव मौजूद थे। उनकी आपसी सहमति से सरकार से बात करके, कलेक्टर से बात करके और उसके बाद में सहमति बन पाई है। चलिए शुक्रिया सीबी शर्मा आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो मुआवजे और कार्रवाई को लेकर बात थी, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई, जेएन को सस्पेंड किया गया, एएन को एपीओ किया गया है, इधर 10 लाख का मुआवजा देने की भी घोषणा की गई, जिसके बाद परिजन माने हैं और शव को उठाया गया है। वहीं शाहपुरा में करंट से मौत का मामला विधानसभा में भी गूंजा। ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने जवाब देते हुए कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कंपेंसेशन एक्ट के तहत कंपेंसेशन देने का प्रावधान है जो लगभग 20 लाख रुपए के करीब है, जबकि अन्य व्यक्ति जो गुजरा है उसे 5 लाख एक मुश्त क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाने का प्रावधान है, जो मृत्यु प्रमाण पत्र पब्लिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं दुर्घटना की जांच रिपोर्ट के आधार पर दिया जाता है। दुर्घटना की जांच के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सतर्कता, मुख्य कार्मिक अधिकारी एवं अधिशासी अभियंता कोटपुतली की आज ही एक कमेटी गठित कर जांच करवाई जा रही है, जिसके निष्कर्ष के आधार पर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।